मेरे पैसे थले जा फिरे हाय 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 मैं अमीर हो गया अमीर दे स्पेलिंग नहीं होंदे अमीर दियां कोठियां होंदियां ने अमीर दे महल होंदे ने गड्डियां होंदियां कारां होंदियां ने स्पेलिंग लफ्ज़ तुहाडे कोल नहीं है अमीर दे दिल होंदे ने अमीर दे दिल नहीं होंदे गरीबां दे दिल होंदे चल गड्डी चला मेरा पुत्तर जिन्ने ओह मेरा 500 जा पिया मेरा 500 यार अमीर पहला खंडिया मैं एक ते डुबकी ला के चल टोरा चलिए खलोते रहना ये है नहर का मनाजर चल चलो खैजा साहब वहाँ तुम ओ ये मैरिज हाल है लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाला हाल कैमरा चलान बर्बाद कर छे ने ना मैरिज हाल जरा कैमरे चलान तबाह माशाल्लाह आज हम जो शूट करके आए हैं उसका नाम है टाइटल है कि इट्स बेटर व्हाट यू हैव मतलब आपके पास जो है वो बेहतरीन है इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको क्योंकि अल्लाह ने आपको जो भी दिया वो अच्छा है बेहतर है क्यों जी ऐसा साहब ऐनी गल है कैसा तेरा बंद टकन लगा अपनी औकात कभी बाहर नहीं जाना चाहिए हां घड़ी मुड़ी औकात में ला लेना अल्लाह दे बंदे ये जेब जेब कहना चाहिए औकात नहीं गई हुंदा जेब कह लो ये बात जाना हां काम बात जाना है किसी नु औकात गया भाई अगला लड़ पैंदा हुंदा ही और भाईजान हमारा मकसद जो हमारा एम है हिसाब से बड़ा एम है वो यही है कि हम जो अपने फैंस हैं और पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उन तक ये बातें पहुंचाना कि क्योंकि टिकटॉक पे सोशल मीडिया पे तमाम नेटवर्क्स पे जो है ना ये फहाशी जैसी वीडियोज़ और फहाशी तो बिल्कुल आम हो चुकी है और बेहतरीन और अच्छा कंटेंट इस्लामी कंटेंट बनाने वाले बहुत कम पड़ गए हैं तो हमारा मकसद जो हमारा एम है वो यही है कि हम लोगों तक अच्छी बातें पहुँचाएँ जिसका बराह रास्त अल्लाह की ज़ात से दीन से इस्लाम से ताल्लुक हो तो हम अपने में इंशाल्लाह कोशिश हैं आप हमें सपोर्ट करते रहें आपकी सपोर्ट के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे ऐसे मुमकिन नहीं है कि कोई बिना सपोर्ट के आगे चला जाए ख्वाजा साहब हाँ जी बिल्कुल तो जी ख्वाजा साहब ने भी कहा था थोड़ी मेहरबानी है और ये है डस्का की नहर हम इस वक्त डस्का सिटी में हैं डस्का सिटी की नहर और डस्का सिटी का जो इस वक्त सूरत हाल है यहाँ पे बहुत ही बुरा है ख़ास तौर पे इस एरिया का ये देख रहे हैं आप ज़रा गौर से देखें तो आपको पता चलता है कि सफाई का निज़ाम नहीं है माहौल आलूदा है मुकम्मल तौर पर माहौल अब ये देखें आप देख सकते हैं हर जगह पे गंद है देखिए डस्का माहौल हर जगह पे खराबी है भाई वैसे तो डस्का पे नून की हुकूमत है मैं किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता और ना ही मैं किसी सियासी पार्टी को टारगेट करता हूँ कि ये गलत है ये तो हमें देखना चाहिए कि हमें किसे वोट देना है कौन हमारे इलाके में बेहतर है और कौन वोट का असली हकदार है हमें उससे वोट देना चाहिए गलत बंदे को वोट देंगे आप पीछे सोचते नहीं कि पीछे वाली पार्टी को हमने वोट देना है पीछे पीटीआई है पीछे नून लीग है पीछे पीपल पार्टी है उसको वोट देते रहे भले अपने इलाके का बंदा ख़राब हो और करप्ट हो इस तरह तो अपना इलाका ख़राब कर बैठेंगे वो तो बेहतर नहीं है इसलिए जनाब आप उसी को वोट दें जो आपके इलाके में बेहतर है तो अभी हम मेन रोड पर आ चुके हैं तो मैं आप सबसे ज़्यादा चाहूँगा कि हम इसी तरह सपोर्ट करते रहें आप लोगों आप सब लोगों की सपोर्ट की वजह से हम आगे जा पाएंगे आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहें आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़